सावन में सुनी बुंदेली चौपाले, नहीं सुनाई देते बुंदेली आला कजरी बा सावन के सुहाने गीत। ऐसा कौन सा मन है जो संगीत को सुनकर झूम न उठे। फिर वही यदि बात क्षेत्रीय लोक कलाओं लोक साहित्य की हो तो फिर वह मन ही क्या जो सुनकर न झूम उठे। आइए हमारे सहयोगी डॉक्टर शिव पूजन अवस्थी की यह खास पेशकश को देखते हैं। हमारी सांगीतिक कलाओं ने तो मनुष्यों की क्या बात करें, उसने तो पशु पक्षियों तक को मोहित किया है। पर हम यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आज का समाज हमारी पारंपरिक धरोहरों साहित्यिक सांस्कृतिक कलाओं से बहुत दूर खड़ा नजर आता है। हम यदि समसामयिक अवसर तथा क्षेत्र विशेष बुंदेलखंड की सांस्कृतिक धरोहर की बात करें तो जहां एक ओर सावन अपनी सुहानी घटाओं से मेघ मल्हार गाते हुए प्यासी धरती को तरबतर कर रहा है, वहीं बुंदेली चौपाल सुनी नजर आ रही है। कभी बुंदेलखंड के गांव गांव में रातों बुंदेली गाथाओं को लोग ढोलक की चनकार मजीरे की झनकार के साथ आल्हा गायकी का आनंद लेते थे, आज वही गांव की चौपाले चारों तरफ सुनी दिखाई देती है। बुंदेलखंड में जहां सावन के महीने में हर दरवाजे दरवाजे आल्हा कजरी सावन गीत, जिनमें प्रेम होश विरह जैसी भावनात्मक रचनाओं में लोग सांस्कृतिक विरासत को पहचानते हुए लोक गायन से आनंदित होते थे व मौसम का लुत्फ उठाते थे। हर डाल डाल में पड़े झूले चारों तरफ गांव की बेटियां, बच्चियां, नव युवतियाँ लंदी गिप्पा कौड़ी चंदा पवा गुट्टा के खेल खेलते हुए दिखाई देते थी। गांव के युवकों द्वारा मल्लयुद्ध के लिए खोदे गए अखाड़े पहलवानी करते हुए नवयुवक आज दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। जैसा कि आप जानते हैं कि वीरभूमि बुंदेलखंड में सावन के महीने में आल्हा उदल की वीर गाथाओं के चर्चे हर गांव गांव दरवाजे दरवाजे में बनी खम्मीदार बरामदे दुभी में सुनाई देते थे, आज बुंदेलखंड के वीर रस ओजपूर्ण गायन शैली आल्हा की गूंज दूर दूर तक सुनाई नहीं देती। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं धरोहरों को भूल रहे हैं, या फिर बुंदेली कलाओं के संरक्षण के नाम पर मात्र किताबों या व्याख्यान मालाओं तक ही सीमित होकर रह गए हैं? एक समय था जब हर गांव गांव में बुंदेली लोक गायन शैली के गायक वादक मिल जाते थे, पर आज नई पीढ़ी के युवा वर्ग में अपनी सांस्कृतिक परंपरा विरासत साहित्य के प्रति दूर दूर तक लगाव दिखाई नहीं दे रहा। कुछ पुरानी पीढ़ी के लोग हैं जो इन कलाओं को जीवित रखने के लिए संघर्ष करते मिल जाते हैं। आल्हा गायन जिस प्रकार बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है, उसी प्रकार आल्हा गाने की परंपरा अवधि मैसवारी कन्नौजी ब्रज और भोजपुरी में भी है, पर बुंदेलखंड की आल्हा गायकी की गायकी का रस ही अलग है, जिसको सुनते ही मन में उस पराक्रम साहस उत्साह और वीरता की तरंगे मानव मस्तिष्क में दौड़ने लगती है। क्या वास्तव में पारंपरिक धरोहर बुंदेली सांस्कृतिक साहित्यिक कलाओं एवं कलाकारों का संरक्षण होना चाहिए? क्या सरकार व समाज का ध्यान इस ओर है? जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी देश प्रदेश क्षेत्र की पहचान वहाँ की कला साहित्य और सांस्कृतिक विरासत से होती है। आज हमारा समाज व हमारी सरकारें अपनी सांस्कृतिक धरोहरों कलाओं साहित्य के प्रति सजग संवेदनशील व गंभीर दिखाई नहीं दे रही है। और यदि समय रहते हमारी सरकारें व समाज संगीत कला साहित्य का संरक्षण समय रहते नहीं करते तो कालांतर में हमारे समाज व सरकारों को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए संगीत साहित्य सांस्कृतिक धरोहरों और कला को बचाने के लिए समाज व सरकारों को समय रहते आगे आना चाहिए तथा साहित्य तथा साहित्यकारों कला तथा कलाकारों को राष्ट्रीय से क्षेत्रीय जिला से गाँव स्तर तक संरक्षण देना चाहिए। तभी हम अपने देश की सांस्कृतिक साहित्यिक धरोहरों को बचा पाएंगे। मेरी दो बहन है, पैरा हो और कजरी। हाँ, कजरी हो, ये सब हो। अच्छा, और
तो पूरे गांव के लोग बैठते थे, बैठे थे। अच्छा तो आपको नहीं बैठा है? हाँ, मैं बैठा। अच्छा, आपको एक दूसरे से मिलने नहीं आता? नहीं। और तो याद आती हैं वो पुरानी चीजें? बिल्कुल। तो आप प्रयास नहीं करते हैं कि आजकल के लड़कों को नई पुरानी चीजें सिखाई जाए, कुछ लोग गाएं गाना, कुछ पुरानी संस्कृति को अपनाएं? प्रयास तो सब करो। मोबाइल में सारा सुन लें, हम मोबाइल में हर हर एक चीज देखा थे और स्वयं नहीं कर सके। अच्छा, आपके गांव में कोई पहले सारा गाने वाले थे? हाँ। अच्छा, तिवारी गाँव पर थे। अच्छा, सुंदर और तिवारी, ओम प्रकाश तिवारी। अच्छा, और आसपास के गांव से कोई आते थे अलावा गाने वाले? यहाँ आसपास के नहीं। अच्छा, गाँव में की गए। अच्छा।